आइए बच्चों, चलिए हम कुछ ऑप्टिकल फाइबर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। कुछ डेरिवेशन है और कुछ स्नेल्स लॉ है जो हमारे कोर और थ्रेडिंग के बीच कैसे प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उससे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं आप, जो कि एपरेचर एंगल कहलाता है। उस एपरेचर एंगल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेज आया है जो कि ए है और रेज बी है। दो रेज के साथ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रेज को हम फॉल कर रहे हैं, बी रे को फॉल कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर एक एंगल बनता है जो कि कोर और क्लैडिंग का जो सरफेस होता है वहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर वो एंगल बनता है, स्नेल्स लॉ का वो प्रिंसिपल फॉलो होता है जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसके कारण हमारा कोर से निकलकर वो क्लैडिंग की तरफ आ जाता है, हमारा कोर से लेकर क्लैडिंग की तरफ चला जाता है। तो यही चीज़ हमारा जिस पॉइंट से टकराता है वापस वो आगे बढ़ते हुए ये कोर में ही क्लैडिंग में ही रह जाता है वो लाइट। तो कुछ पार्ट हमारा अंदर आता है, कुछ बाहर वो कोर में ही नहीं आ पाता, जिसके कारण हम ये लाइट हमको वापस नहीं मिलती है। तो हमारा जो बी पॉइंट से अगर जिस बी पॉइंट के एंगल के थ्रू अगर हम भेज रहे हैं तो हमारा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण हमारा पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है, जो लाइट है, वो हमारा चला जाता है। तो इस तरीके से ये लॉस हो जाता है हमारा ये पूरा लाइट। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा एक और तरीका ये है कि हम उसको बी पॉइंट से बी बी जो है हमारे पास उसके थ्रू हम भेजें, जो सॉरी बी नहीं ए के थ्रू एंगल के थ्रू भेजें। तो ए एंगल से अगर हम भेजते हैं, जिसका एंगल मान लीजिए थीटा ए है, तो थीटा ए से अगर हम भेज रहे हैं तो हमारा लाइट एक पॉइंट से जो टकराया उसके बाद हमको यहाँ पर वो एंगल मिल जाता है जो क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। वो क्रिटिकल एंगल से टकराते हुए कोर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर भी अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पा रहा है तो हमारा का पूरा लाइट हमारा प्रोपोगेट होता हुआ कोर के अंदर ही आगे बढ़ जाता है। तो एक एंगल होता है जो कि एक बी एंगल है और एक ए रेस के लिए एंगल है। तो अगर हम बी रेस को के अकॉर्डिंग अगर आप भेज रहे हैं तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, इसके कारण प्रोपोगेशन में लॉस हो जाता है। तो हमको कम से कम थीटा ए एंगल की एंगल से ही अगर हम भेजेंगे तभी हमारा जो लाइट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेगा। तो इसको हम एक कोन के फॉर्म में देखते हैं, जो कि एपरेचर जो एक्सेप्ट करता है कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कोर के अंदर कराए। तो उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल। जो एक्सेप्टेंस एंगल जो होता है, जो कि थीटा ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो थीटा ए या उससे कम होना चाहिए तभी हमारा कोर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल एपरेचर होता है, तो न्यूमेरिकल एपरेचर क्या होता है उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे, यहाँ पर एक डेरिवेशन करने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर उस चीज़ को देखेंगे। यहाँ हमारे पास दो तीन मीडियम है, हमारे पास तीन मीडियम को पहले डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एयर का मीडियम मान लेते हैं एन नॉट है। एन नॉट को अब मान लेते हैं कि हमारा जो थीटा वन है वो एक्सेप्टेंस एंगल के अंदर आता है, एक्सेप्टेंस एंगल के अंदर आएगा, तो हमारा आगे बढ़कर हमारा जो ए पॉइंट से टकराता हुआ ये बी पॉइंट पर हमारे पास आएगा कोर के अंदर। अब मान लीजिए कोर के अंदर एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है जो कि फाई ऑन फाई टू फाई के इक्वलेंट है, जो कि सी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं सी पॉइंट वो पॉइंट है। अगर हम यहाँ इसको मान ले रहे हैं कि हमारी लाइट एग्जैक्ट कोर के एक्सल में अगर हमारा पॉइंट ए है, तो हमारा सी पॉइंट के पास अगर हम उसको उसका परपेंडिकुलर एंगल लेना चाहते हैं तो उसके बीच जो एंगल बनता है हमारा फाई एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पहले भी पता है हमारा एन टू हमारा क्लैडिंग है, एन वन हमारा कोर है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर को यूज़ करते हुए हम एक डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन कैसा है आगे देखते हैं। ऐसा हम लिखेंगे, सबसे पहले स्नेल्स लॉ को यूज़ करते हुए हम एक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं जो कि एयर और कोर के बीच का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एन नॉट थीटा वन
और एन टू थीटा टू एन वन थीटा साइन थीटा टू के नाम से हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ को लिख सकते हैं। अब ये स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि फाई इज इक्वल टू थीटा माइनस सॉरी पाई बाई टू माइनस थीटा को हम लोग एक रेक्टेंगुलर जो कि ए बी सी पॉइंट है, मैं पीछे एक बार और दिखा देता हूँ जो ए बी सी पॉइंट कौन से हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग हमारा एंगल जो ए बी और सी है, यहाँ पर जो दिख रहा है पॉइंट उसके बीच अगर हम एंगल देख रहे हैं तो वो एंगल है हमारा फाई थीटा टू के बीच में, तो हमको वो एंगल चाहिए। तो एंगल फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं थीटा टू माइनस 190 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा टू लिख सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उस वही इक्वेशन को लिखा जा रहा है। अब उस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे अनदर इक्वेशन के थ्रू। अनदर इक्वेशन में हम लोग फाई अब यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो थीटा टू है इसको हम लिखना चाह रहे हैं, अगर थीटा को फाई से रिप्रेजेंट करना चेंज करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे एन नॉट साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन वन कॉस थीटा टू सॉरी कॉस फाई। ये हमारे पास दूसरा है इक्वेशन है जो कि कोर और क्लैडिंग के बीच का हमारा इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम यहाँ पर जो कॉस फाई है कॉस फाई का साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन का इक्वेशन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंट करता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास एक और इक्वेशन हो जाता है एपरेचर एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन होता है जो कि एन नॉट थीटा एन नॉट साइन थीटा ए इज इक्वल टू होता है एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग इसके साथ चेंज करेंगे तो इससे हमारे पास न्यूमरिकल एपरेचर का इक्वेशन आता है एन नॉट साइन थीटा ए इज इक्वल टू एन नॉट सॉरी एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। तो ये होता है हमारा न्यूमरिकल एपरेचर का इक्वेशन। तो इस तरीके से हम एक न्यूमरिकल एपरेचर के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं ये इक्वेशन आगे बढ़ के हमारे पास ये एक और हम जो मैंने एक बार और बताया था पिछले वीडियो में कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है जो कि यहाँ पर डेल्टा थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अप्रॉक्सीमेट जो हमारा इंडेक्स डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये एक इक्वेशन है ये जो कि डेल एन इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू जो कि इंडेक्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, कोर और क्लैडिंग के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। उसको इक्वेशन को अगर हम लिख रहे हैं तो वो आगे चल के हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखता है ये। तो ये चीज़ हम लोग जो लिख रहे हैं ये इक्वेशन ये हमारा डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उसके साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल एपरेचर का एक और इक्वेशन आ जाता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि एन ए इज इक्वल टू एन वन ब्रैकेट में टू डेल का पावर वन बाई टू। इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल एपरेचर के दो इक्वेशन आ जाते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन और यहाँ पर ये इक्वेशन हेल्प करता है कई इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है उसको आप देख सकते हैं जो डायरेक्टली हमारा इक्वेशन बेस्ड है जिसमें सिर्फ इक्वेशन को रखना है और एन ए की वैल्यू को निकालना है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा उसका, इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला में रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एन ए का कैलकुलेशन कि एन ए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक और है एक स्लीव रेट को रिप्रेजेंट करता है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके थैंक यू।